लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में $250,000 की कीमत वाला एक प्राचीन वायलिन $50 के लिए गिरवी रख दिया गया। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने स्टोर प्रबंधक डायलन मैकडरमेट के हवाले से कहा कि 1759 में फर्डिनेंडो गैग्लियानो द्वारा हस्तनिर्मित यंत्र पिछले सप्ताह समरवेले में एक गिरवी की दुकान के बाहर लगा दिखाई दिया। इसकी कमान का अकेले ही मूल्य 16,000 से $18,000 है। उसकी नीति के मुताबिक पॉन शॉप की इसे बाजार में नीलाम करने से पहले 30 दिनों तक अपने पास रखने की योजना थी, लेकिन जब तक वे इसका सौदा करता पुलिस ने उसे सूचित कर दिया है। यह वायलिन जुलाई में एक घर से चोरी हो गया था। पुलिस शुक्रवार को उस वायलिन को अपने कब्जे में ले सकती है।